लोगो अपने परवरदिगार की इबादत करो जिसने तुमको और तुमसे पहले लोगों को पैदा किया ताकि तुम उसके अजाब से बचो, जिसने तुम्हारे लिए जमीन को बिछोना और आसमान को छत बनाया और आसमान से मेह बरसाकर तुम्हारे खाने के लिए अनवाओ अकसाम के मेवे पैदा किए। बस किसी को अल्लाह का हमसर न बनाओ और तुम जानते तो हो। और अगर तुमको इस किताब में जो हमने अपने बंदे पर नाजिल फरमाई है कुछ शक हो तो इसी तरह की एक सूरत तुम भी बना लाओ और अल्लाह के सिवा जो तुम्हारे मददगार हो उनको भी बुला लो अगर तुम सच्चे हो। फिर अगर ऐसा न कर सको और हरगिज नहीं कर सकोगे तो उस आग से डरो जिसका ईंधन आदमी और पत्थर होंगे और जो काफिरों के लिए तैयार की गई है। और जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते रहे उनको खुशखबरी सुना दो कि उनके लिए नेमत के बाग हैं जिनके नीचे नहरें बह रही हैं। जब उन्हें उनमें से किसी किस्म का मेवा खाने को दिया जाएगा तो कहेंगे ये तो वही है जो हमको पहले दिया गया था। और उनको एक दूसरे के हम शक्ल मेवे दिए जाएंगे और वहां उनके लिए पाक बीवियां होंगी और वो बहिश्तों में हमेशा रहेंगे। अल्लाह इस बात से आर नहीं करता कि मच्छर या इससे बढ़कर किसी चीज मसलन मक्खी मकड़ी वगैरह की मिसाल बयान फरमाए। अब जो मोमिन हैं वो यकीन करते हैं कि वो उनके परवरदिगार की तरफ से सच है और जो काफिर हैं वो कहते हैं कि इस मिसाल से अल्लाह की मुराद ही क्या है। इससे अल्लाह बहुतों को गुमराह करता है और बहुतों को हिदायत बख्शता है और गुमराह भी करता है तो नाफरमानों ही को जो अल्लाह के इकरार को मजबूत करने के बाद तोड़ देते हैं। और जिस चीज यानी रिश्ते कराबत के जोड़े रखने का अल्लाह ने हुक्म दिया है उसको कटे किए डालते हैं और जमीन में खराबी करते हैं। यही लोग नुकसान उठाने वाले हैं। काफिरों तुम अल्लाह से क्यों कर मुनकर हो सकते हो जिस हाल में कि तुम बेजान थे तो उसने तुमको जान बख्शी, फिर वही तुमको मारता है, फिर वही तुमको जिंदा करेगा, फिर तुम उसी की तरफ लौटाए जाओगे। वही तो है जिसने सब चीजें जो जमीन में हैं तुम्हारे लिए पैदा की, फिर आसमानों की तरफ मुतवज्जे हुआ तो उनको ठीक ठीक सात आसमान बना दिया और वो हर चीज से खबरदार है।